आज हम करेंगे वर्कशीट लेसन नंबर 2 ग्रामर। तो लेट्स वी स्टार्ट। अ की मात्रा के शब्द, इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसका उच्चारण नाक से होता है। तो लेट्स चलो शुरू करते हैं। पढ़िए और जोड़ कर लिखिए। सबसे पहले आप इन सब में ऊपर बिंदु लगा लीजिए, ठीक है। अ उ ग अंग, ज उ ग जंग, क उ धा कंधा, ड न दा डंडा, ज ग ल जंगल, संसार संसार, र ग हंस, गंगा घंटा, मंगल पंजाब, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द फिर से लिखिए। अनुस्वार यानी ऊपर बिंदु, ये हमें अनुस्वार का चिन्ह याद रखना है। तो यहाँ पे बिना अनुस्वार शब्द दिए हैं, हमें उन्हें अनुस्वार लगाकर वापस लिखना है। बंदर, जहाँ अन आता है दो व्यंजन के बीच, वहाँ ऊपर अनुस्वार लगता है। अंदर, कंधा, चंदा, मंदा, ठीक है। अब है चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक। चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग और इसका उच्चारण नाक व गले से होता है। तो चलो हम देखते हैं। ऊंट, चांद, आंख, कुआ, पांच, मूछ, पाव, सुंड, गाव, मा। चित्र देखकर नाम लिखिए। दांत, बांसुरी, बांसुरी, ऊंट, गाव, सांप, पूछ, ठीक है। अब है ये विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग जब हम शब्द को खींच कर बोलते हैं, यानी जिसको बोलने में हमें बहुत समय लगता हो, उसे हम विसर्ग, तब हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं या उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना नमः, प्रातः, ओम, तो जब उच्चारण लंबा चलता है तब हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, नमः, अतः, पुनः, प्रातः, शयनः, यहाँ पे ह निकलता है हलन, ठीक है। निम्न व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनाइए। क और श हमने पढ़ा था, क और श को मिलकर श बनता है, त और र को मिलकर त्र बनता है, ज और ञ को मिलकर ज्ञ बनता है, ठीक है। ये वर्कशीट आपको करनी है और आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए एन बी, ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए एन बी। एन बी मतलब नोटबुक, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एन बी, इट इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। बाय एवरीवन।